तो थार किस किस को पसंद है? सभी को पसंद है। आपको ये चीज़ सोचना मजबूर कर देगी, अगर आप एक थार लेने जाते हैं तो वो करीबन 18 लाख रुपए की आती है, वहीं अगर आप एक ई रिक्शा लेने जाते हो तो 1.5 लाख के आसपास का आता है। अगर आप 12 ई रिक्शा लेते हैं तो 18 लाख रुपए के आसपास किसकी कीमत आती है। और हर एक व्यक्ति को जो ई रिक्शा चला रहा है, अगर उसको आप 300 रुपये दिन का देते हैं तो 700 रुपये एक ई रिक्शा से आपको बचेगा। इस हिसाब से होता है दिन का 8400 रुपये 12 रिक्शा का। और अगर आप महीने का कैलकुलेट करते हैं 2,52,000 रुपये होता है। और अगर आप साल का कैलकुलेट करते हैं तो देते हैं तो 30,24,000 रुपये होता है। अगर आप थार लेते तो क्या आपकी 12 लाख की थार 30 लाख की होती? नहीं। आप थार लेते तो आपकी थार 11-12 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होती। तो ये बात आपको सोचने में मजबूर कर देगी।